अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ, इंशाल्लाह आपको ये भी पसंद आएगी। सबसे पहले मैं येलो बेस लगाई है, वो अच्छी तरह से लगाने के बाद मैंने 3W स्टिक ली है, उसको मैंने एज अ बेस यूज़ किया है। मैंने यहाँ पे कोई प्रॉपर बेस यूज़ नहीं कर रही। उसके बाद मैंने बूज पाउडर अच्छी तरह से आँखों के ऊपर नीचे लगा लिया। अब आईब्रोज पेंसिल लेके मैं उसके और साथ में आईब्रोज सेट करूंगी। मैंने एक डार्क ब्राउन कलर लिया है, इसके साथ मैं उनकी शेप बनाऊंगी। अब मैं ब्रश लेके आईब्रोज को अच्छी तरह से कॉम करूंगी ताकि ये कलर एक जैसे इवन टोन हो जाए। अब मैं एक लाइट पीच कलर लेके उसको सारी क्रीज पे लगाऊंगी, उसको क्रीज बनाऊंगी। आपने इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। अब मैं एक ब्लूश कलर लेके उसको मैं आउटर कॉर्नर्स पे, इनर कॉर्नर्स पे और आई बोल के इर्द गिर्द अच्छी तरह से अप्लाई कर दूंगी। और मैं इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करूंगी। और वही कलर मैं आंखों के नीचे भी अप्लाई करूँगी। अब मैं एक सिल्वर कलर लेके इसको आंख के बिल्कुल दरमियान में आई बोल के ऊपर लगाऊंगी। वही सिल्वर कलर मैं आईब्रो बोन पे लगाऊंगी। इसी कलर से मैं इनर कॉर्नर्स भी बनाऊंगी। अब मैं एक सिल्वर ग्लिटर लेके तो सिल्वर आई शेड के ऊपर लगाऊंगी। यहाँ पे मैंने सिल्क आई शेड लगाया, उसी के ऊपर मैं सिल्वर ग्लिटर अप्लाई करूँगी। मैं आँखों के अंदर वाइट कलर यूज़ कर रही हूँ और हम आईलाइनर अप्लाई करेंगे। मैंने आईलाइनर थोड़ा सा लंबा लगाया और एंड पे इसको थोड़ा सा विंग भी बनाया है। अब मैं आंखों के नीचे भी थोड़ा सा अप्लाई करूंगी। अब व्हाइट पेंसिल जो मैंने आंखों के अंदर लगाई है वही मैं आईलाइनर की विंग के नीचे लगाऊंगी ताकि आंखों में थोड़ी खुली लगे। अब हम अपनी लैशेज अप्लाई करेंगे। तो मैंने प्लग करके साथ देखे बड़े इजीली लगा लिया है। अब हम मस्कारा अप्लाई करेंगे।
ये हमारी फाइनल लुक है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेगी। इस आई लुक के साथ जो मैंने लिपस्टिक अप्लाई की है वो भी मैंने एंड पे बताया है, वो भी आप देखिएगा। ये मेरी फाइनल लुक की है। मैंने मेडोरा का 287 नंबर लेके उसके साथ आउटलाइन बनाई है और 252 नंबर लेके उसके साथ इसको फिल किया है। देखिए कितना अच्छा खूबसूरत एक कलर बन गया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।